हेलो एवरीवन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पार्ट टेन आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कैंसर कैंसर नेम सब ने सुना हुआ है कि कैंसर क्या है आजकल के इस एनवामेंट में कैंसर के केस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं मतलब मेल्स के केस में जो कैंसर है वो माउथ एंड थ्रोट कैंसर और फीमेल्स के केस में ब्रेस्ट कैंसर है यूटराइन सर्वाइकल कैंसर है ये हैं बाकी तो बहुत टाइप के कैंसर हैं कि किसी को लंग्स का कैंसर है किसी को स्टमक कैंसर है तो बहुत टाइप के कैंसर है पर कैंसर क्या है हम नॉर्मल कह देते हैं कि उसको ये कैंसर है उसको ये कैंसर है पर कैंसर क्या है कैंसर इज एन एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स कॉल्ड द कैंसरस सेल्स दीज सेल्स इन्वेड इन हेल्दी एंड नॉर्मल सेल्स एंड टिश्यू एंड डेस्ट्रॉय इट मतलब कोई भी अगर सेल्स होंगी वो सेल्स नॉर्मल सेल्स हैं और नॉर्मल सेल्स कब कैंसर सेल्स की तरह बिहेव करने लगे हैं तो ये डिपेंड करता है हम लोगों के सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर किस तरीके से कि हम लोगों का खान पान कैसा है कई बार ऐसा होता है हार्मफुल रेज हैं कुछ मेडिसिन हैं कई बार बॉडी के अंदर हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर है हॉर्मोनल चेंजेस हुआ ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है तो उस केसेस में मतलब नॉर्मल सेल्स कन्वर्टेड इनटू कैंसर कैंसरस सेल्स प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो इनएक्टिव जीन्स होती हैं वो हर एक पर्सन की बॉडी में हैं पर कभी कभी ऐसा होता है कि, कि किसी भी वजह से हार्मफुल रेस की वजह से टेम्परेचर की वजह से किसी भी कोई केमिकल्स होते हैं मान लिया चारकोल का काम है जो अजीब सी स्मेल आती है या हम ये कहते हैं पेंट वगैरह का काम है बहुत से लोग वहाँ काम करते हैं लॉन्ग टाइम तक काम करते हैं तो लंग्स की जो सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स कन्वर्टेड इनटू कैंसर सेल्स बहुत सारे केसेस होते हैं तो उस केसेस में मतलब नॉर्मल सेल्स कन्वर्टेड इनटू कैंसर सेल्स का मतलब ये है कि अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स प्रोटो ऑंकोजीन्स उन सेल्स की प्रोटो ऑंकोजीन्स कन्वर्टेड इंटू ऑंकोजीन्स ये जो कैंसर सेल्स होती हैं वो बहुत सारी प्रॉपर्टी को अपना लॉस्ट कर देती हैं अब जैसे मान लिया इनकी लाइफ स्पेन है वो कोई डेफिनेट नहीं है इनके अंदर दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि एक कॉन्टैक्ट इनिबिशन की एक प्रॉपर्टी होती है एक नॉर्मल सेल्स में प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनिबिशन कि जब ये सेल्स मान लिया कोई भी नॉर्मल सेल्स हैं जब दूसरे सराउंडिंग दूसरी सेल्स के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो इनको रेस्पॉन्स मिलते रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर इनकी ग्रोथ हुई डेवलपमेंट हुआ और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद अब इनमें डिफ्रेंशिएशन हो गया कि इनको दूसरी सेल्स बनानी है मान ली हमारे स्किन की सेल्स बनानी है कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स बनानी है ग्लैंडुलर टिश्यू बनाना है तो इनके अंदर डिफ्रेंशिएशन हो स होता रहता है लगातार पर कैंसर सेल्स ये प्रॉपर्टीज़ को लॉस्ट कर चुकी हैं वो लगातार कॉन्टीन्यूस डिवाइड करती रहती हैं किसी भी टाइप के रेस्पॉन्स को गेन नहीं कर रही हैं कि उनको ये रेस्पॉन्स आ रहे हैं मतलब ये स्टिमुलेशन आ रहे हैं कि अब अपने ग्रोथ को रोक दो वो नहीं गेन कर पा रही और जब वो गेन नहीं कर पा रही तो अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स जब उनके अंदर लगातार होगा तो दे फॉर्म मासिज ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स वो ट्यूमर बनने लगते हैं अब वो ट्यूमर अलग अलग टाइप के हैं कि बेनाइन ट्यूमर भी है मेलिग्नेट ट्यूमर किस टाइप के ट्यूमर हैं तो कहने का हमारा मतलब ये होता है कि जब नॉर्मल सेल्स हैं नॉर्मल सेल्स के बिहेवियर और कैंसर सेल्स के बिहेवियर में उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि कैंसर सेल्स दी सेल्स डिवाइड इन एन अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड मैनर विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन मतलब कोई भी डिफ्रेंशिएशन का मतलब समझ रहे हैं कि किसी भी टाइप के दूसरे टिश्यूज में फॉर्म होना है एक सेल्स डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू फॉर्म करती है डिफरेंट टाइप्स के सेल्स फॉर्म करती है सेल्स से टिश्यू बनते हैं टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं तो वो चीज़ इनके अंदर नहीं हो पाती अब जैसे आर का फॉर्मेशन है तो आर का फॉर्मेशन बोन मैरो में होगा तो बोन मैरो में आर एक पर्टिकुलर आर की लाइफ स्पैन है 120 डेज 120 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है तो बोन मैरो की सेल्स में दूसरी बन तो रही है डिफ्रेंशिएशन हो के जो स्टेम सेल्स है स्टेम सेल्स से डिफ्रेंशिएशन होकर तभी तो वो आर बन रही हैं तो वो प्रॉपर्टी कैंसर सेल्स के अंदर नहीं होती नॉर्मल सेल्स दीज सेल्स डिवाइड इन ए रेगुलेटेड मैनर विथ डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स द देयर लाइफ स्पेन इज नॉट डेफिनेट और दे इनकी जो लाइफ स्पेन है दे हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पेन दीज सेल्स डू नॉट रेस्पोंड टू कंट्रोल मैकेनिज्म एंड डू नॉट शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन जो मैं भी तुम्हें समझा के चुकी हूँ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस दे जस्ट कॉन्टीन्यू टू डिवाइड राइज गिविंग राइज टू मासिज ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स और दे हैव ए कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट मैनर अभी मैंने कहा स्टूमुलस को गेन करने के लिए रेस्पॉन्स को देने के लिए तो वो सब चीज़ इंटरडिपेंडेंट मैनर एंड शो कॉन्टैक्ट इन्हीबिशन हैंस दे डू नॉट फॉर्म ट्यूमर्स तो ये डिफरेंस है एक कैंसरस सेल्स में एंड नॉर्मल सेल्स में ठीक है तो इसमें सब बच्चों को ये समझ में आ गया होगा जो भी बच्चे अब बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं जो भी बच्चे वीडियो को देखें उसको लाइक करें शेयर करें दूसरे अपने जो पुलीग्स हैं जो भी तुम लोगों के हैं कि क्लोज फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्किल में हैं तो सबको शेयर ज़रूर करें जिससे सबको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले ठीक है बेटा ओके थैंक यू